काफी हाई एल्टीट्यूड पर आ चुके हैं। ये देखिए अभी टेम्परेचर नॉर्मली गैरसैंण का 23 से 24 डिग्री सेल्सियस है और अभी यहाँ पे ये बर्फ सही सलामत है। क्या बर्फ पड़ रही है? ये देखिए भाई कितनी मोटी बर्फ है। हाँ ये देखिए अभी यहाँ पे 2.5 से 3 फीट की बर्फ। और इसका सही सलामत रहने का मेन कारण ये है, यहाँ पे ये गड्ढे बनाए गए थे जिसको चाल खाल बोलते हैं, और जगह की बर्फ पिघल चुकी है लेकिन इन गड्ढों की बर्फ है अभी भी इसी में सेफ है, बिल्कुल सही सलामत है। वाह क्या बात है। तो ये हमारा ये रिजर्व वाटर है जो कि धीरे धीरे पिघलेगा और फिर हमारे जो वाटर के रिसोर्सेस हैं वो रिचार्ज होते रहेंगे। ये देखिए आप, वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। ये देखिए ये हमारे कालासर पानी भरते हुए और कुछ टाइम बाद ये बर्फ पिघल जाएगी और ये पानी बनेगा। बहुत ठंडा ठंडा सा माउंटेन ड्यू, असली माउंटेन ड्यू यही है। ये देखिए आप, वाह इसको खा सकते सर, खा सकते हैं इसको तो कोई नहीं, अंदर बहुत अंदर होगी उसको। हाँ गहरी है ना बहुत। हाँ एक देखो पूरी 1-2 फीट की है, हा? 1-2 फीट की देखो ना, किस जानवर ने निकाल रखी थी। हाँ गोल डिजाइन बनी है। भाई तो ये देखिए ये बर्फ है, धूप नहीं आती नहीं। हाँ एक्चुअली पता क्या है, यहाँ हमारे रखे खड्डे बना रखे, ये बर्फ उनमें जमी हुई है, अब धीरे धीरे जो पिघलेगा पानी जमीन में जाएगा वो। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए और यहाँ पे उधर भी पूरे इस के गड्ढे बने हुए हैं, इनमें बर्फ का पानी जमीन के अंदर जाएगा और ये पूरे हमारे जो रिसोर्सेज है जो पानी के सोते वो चार्ज होते रहेंगे, वो कभी सूखेंगे नहीं। लगभग लगभग ये देखिए यहाँ पे पानी यहाँ जमीन के नीचे से निकल रहा है और ये पानी ने एक रोड बना दिया अपना। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर, कैसे पानी नहीं है, ये वो पानी है जो बर्फ जम जाती है तो जमीन का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको। ये यहाँ पे वो नीडल ट्री है यानी कि एक सुई के समान बड़ा सा पेड़ है जो दोनों तरफ से खोखला हो रखा है लेकिन अभी भी खड़ा है।